रहीम प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात पंजुम के सबक नंबर 13 कौमी तराना की मश्क शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी मश्क की जानिब। सफ़ा नंबर 94 पर हम अपनी मश्क शुरू करते हैं। हमारी सबसे पहली सरगर्मी है आओ समझें। दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाना है। कौमी तराना लिखा है अलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने, फैज़ अहमद फैज़ ने, मोहम्मद हफीज़ जालंधरी ने या हबीब जालिब ने। तो दुरुस्त जवाब है मोहम्मद हफीज़ जालंधरी ने। कौमी तराने के एहतराम में खामोश हो जाना चाहिए, बैठ जाना चाहिए, अपना काम करते रहना चाहिए या खामोशी से खड़े हो जाना चाहिए। तो दुरुस्त जवाब है खामोशी से खड़े हो जाना चाहिए। कौमी तराना पढ़ा जाता है किसी बड़े आदमी के मरने पर, जंग के मौका पर, कौमी अहमियत के किसी भी मौका पर या मैच खेलते वक्त। तो दुरुस्त जवाब है कौमी अहमियत के किसी भी मौका पर। हमारी अगली सरगर्मी है दुरुस्त पर सही और गलत पर क्रॉस का निशान लगाएं। अर्ज़ के मानी चौड़ाई के हैं, गलत। किश्वर हसीन खूबसूरत मुल्क या इलाके को कहते हैं, दुरुस्त। चांद तारा मुसलमानों के निशान के तौर पर लिया जाता है, गलत। हमारी कुव्वत हमारी एटमी सलाहियत की वजह से है, गलत। हमारा झंडा हमारे माजी हाल और मुस्तकबिल का इशारा करने वाला है, दुरुस्त। हमारी अगली सरगर्मी है सवालात के जवाब दें। कौमी तराना क्यों अहम होता है? जवाब है कौमी तराना मुल्क के साथ मोहब्बत का वालेहाना इजहार है, ये कौम की उमंगों का तर्जुमान होता है। अगला सवाल है पहले बंद में क्या ख़ास बात की गई है? जवाब है पहले बंद में मुल्क की पाक सरजमीन की खूबसूरती का जिक्र है और इसे अपनी उम्मीदों का मरकज़ कहा गया है। हमारा अगला सवाल है मिसरा खुशखत करके लिखें। दिया गया मिसरा आपने खूबसूरती के साथ लिखना है, खुशखत करके लिखना है। हमारा अगला सवाल है हमारी कुव्वत और तरक्की का राज तराने की रूह से क्या चीज़ है? तो प्यारे बच्चों, इसका जवाब है हमारी कुव्वत इत्तेहाद इत्तफाक और भाईचारे यानी आपस की मोहब्बत और मिलजुल कर रहने में ही है। हमारा आखिरी सवाल है आखिरी मिसरे में क्या दुआ की गई है? आखिरी मिसरे में दुआ की गई है कि या अल्लाह इस मुल्क पर अपने कर्म का साया रखना, मतलब ये कि यह मुल्क हमेशा कायम और दायम रहे। हमारी अगली सरगर्मी है आओ बात करें। आपके स्कूल में कोई तकरीब हुई जैसे बज़्म अदब, यौम दिफा की तकरीब वगैरह, इसके मुस्बत और मनफी पहलुओं के बारे में आपने ग्रोह में बैठकर एक दूसरे के साथ बात करनी है। तो प्यारे बच्चों, आपके स्कूल में कोई तकरीब हुई होगी जैसे यौम पाकिस्तान की तकरीब है, यौम आज़ादी की तकरीब है या बज़्म अदब की कोई तकरीब है, तो आपने उस तकरीब के मुस्बत और मनफी दोनों पहलुओं पर बात करनी है। मिसाल के तौर पर आप बता सकते हैं कि ये तकरीब आपके लिए कितनी फ़ायदेमंद है, बच्चों की हौसला अफज़ाई के लिए, मुकाबले की फ़िज़ा पैदा करने के लिए, और इसके अलावा बच्चे जो पढ़ने के बाद थक जाते हैं या एक रूटीन से बोरियत का सवाल जब पैदा हो जाता है तो उस वक्त में ऐसी तकरीबात जो हैं वो बच्चों को दोबारा से फ़्रेश कर देती हैं, ये तफरी मुहैया करती हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपने इस प्रोग्राम की कोई मनफी पहलुओं पर भी नज़र रखनी है। मिसाल के तौर पर रश बहुत ज़्यादा था, डिसिप्लिन नहीं था, बच्चे नज़्म ज़ब्त को नहीं फॉलो कर रहे थे, या फिर ये कि बच्चे प्रोग्राम क्योंकि लंबा था, गर्मी का मौसम था या सर्दी का मौसम, मौसम की शिद्दत की वजह से बच्चे वहाँ पर बच्चों के लिए बैठना मुश्किल था। तो ये उस तकरीब के कुछ मनफी पहलू हैं। आपने अपने दोस्तों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ जो आपके ही स्कूल में पढ़ते होंगे उनके साथ इस तकरीब के मुस्बत और मनफी दोनों पहलुओं को डिस्कस करना है। हमारी अगली सरगर्मी है कौमी तराने के ख़ास ख़ास निकात पर आपस में बातचीत करें। आपने बताना है सबसे पहले कि कौमी तराने के पहले बंद में क्या कहा गया है, पाक सरजमीन को बयान किया गया है कि हमारे मुल्क की सरजमीन कैसी है, दूसरा जो मिसरा है, दूसरा जो बंद है उसमें हमारे मुल्क के निज़ाम हुकूमत के बारे में बात की गई है, और उसके बाद फिर हमारे ताबनाक माजी और हमारा बेहतरीन जो हाल और आने वाला जो वक्त है हमारा उसके बारे में बात की गई है, और सबसे आखिर में अल्लाह ताला से दुआ की गई है कि या रब्बुल आलमीन या ज़ुल जलाल वल इकराम
हमारा ये मुल्क हमेशा कायम और दायम रहे, क्योंकि ये हमारी उम्मीदों का मरकज है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपने इस लेक्चर को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।